हे गाइस, एनर्जी बहुत तेज है आज रिगार्डिंग जेई मेन की बेस्ट बुक्स के बारे में बात करेंगे। कमोन, किसके बारे में बात करेंगे? जेई मेन की कितनी ज्यादा बेस्ट बुक्स है, किसको किसको आप जो है बुक्स को पढ़ के IIT NIT IIIT को फोड़ सकते हो, KPY को फोड़ सकते हो। तो बिना टाइम गवाए आज को इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, एनर्जी बिल्कुल बहुत तेज है आज। ठीक है, पढ़ा के रहूंगा तुमको, मैं पढ़ा के रहूंगा। ठीक है, IIT खड़गपुर किसका ड्रीम IIT है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, वो भी CSE डिपार्टमेंट। ठीक है, पढ़ के रहोगे तुम लोग, मैं तुमको पढ़ा के रहूंगा। कमोन कमोन गाइस, कमोन, यू कैन डू इट। एनर्जी लाओ यार, तपा दो अपने आप को, एकदम तपा दो। क्या कर, तपा दो। बहुत सारे हजारों बच्चों की क्वारी आ रही मेरे पास, भैया मैं कौन सी बुक्स पढ़ू जेई मेन की, मैं 12th की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, जो है मैं टेस्ट सीरीज ले रहा हूँ, मैं कौन सा कोर्स लू कौन सा कोर्स नहीं लू, जेई मेन के लिए कौन सी बुक्स होती है, मैं फिजिक्स कैसे पढ़ू, केमिस्ट्री मेरा वीक है, मैथमेटिक्स तो मेरे को आता ही नहीं, मेरे को क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा गाइस। क्या देख रहे हो आंखें फाड़ फाड़ के? ठीक है, हेलो हेलो गाइस, कम ऑन, यू कैन डू इट। अटेंशन के साथ, अटेंशन के साथ देखो मेरा वीडियो। मेरे वीडियोस बाकियों की तरह तो होते नहीं है, गेम चेंजिंग वीडियोस होते हैं। ओके, सो बात करते हैं आज मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स के बारे में। अगर आपके जेई मेन के अंदर तीन मेजरली सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। ओके, सो जो भी बच्चे अभी 11th क्लास में हो, चाहे वो 12th क्लास में हो, जिनको एकदम बेसिक से पढ़ना है, अभी बिल्कुल कुछ आता नहीं है, नॉर्मल आता है, तो वो जो है ये बुक्स ले सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। ओके, ये दो भागों में आती है। ठीक है, दो पार्ट होते हैं इसके, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स जो कि SC वर्मा सर का तो आपने नाम सुना ही होगा, ऑब्वियसली उनकी ये बुक है। सो इसको आप जरूर, मैं आपको फुली रिकमेंडेड करूंगा कि आप इसको जो है जरूर परचेज करें। ओके, और जितने भी बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ, इन सबके जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप दे दूंगा, तो आप जो है वहां से इन बुक्स को ले सकते हैं। ओके, सो जस्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो जिन भी बच्चों का भी फिजिक्स ऑलमोस्ट बहुत कम आता है, या फिर स्टार्ट ही नहीं किया, या फिर स्टार्ट करना चाहते हैं जेई के लिए, तो बेस्ट बुक है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, HC वर्मा सर की है, जेई मेन के लिए। ओके, देन सेकंड बुक जो हम पेश करते हैं वो है यूनिवर्सिटी फिजिक्स, जो कि यंग एंड फ्रीडमैन। ओके, देन इट्स नॉट फॉर, जो भी बच्चे एकदम नॉर्मल बच्चे हैं या फिर 11th वाले बच्चे हैं उनके लिए यह बुक नहीं है बिल्कुल भी। जो बच्चे एकदम फाड़ सिंह पठार सिंह हैं, उनको खूब नॉलेज है फिजिक्स की, खूब पढ़ाई कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वगैरह कर लेते हैं ऑलमोस्ट, तो वो जो है ये बुक परचेज कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल लोगों के लिए बुक यह नहीं है। ठीक है, मतलब थोड़ी तगड़ी बुक है, लेवल की बुक है ये। देन जो थर्ड है, ये जो जनरल बुक है, ये सभी को लेनी ही चाहिए। ठीक है, IIIRODOB जो बाप बुक है, ठीक है, फिजिक्स का बाप है ये। ओके, सो जस्ट अरिहंत की है ये, इसको आप जरूर रिकमेंडेड करना चाहूंगा, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से ले सकते हैं गाइस। ओके, इस बुक को जरूर परचेज करें आप, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन परचेज दिस। ओके, यह जो है DC पांडे सर की, आप ये भी ले सकते हो। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स, ओके, जेई मेन एंड एडवांस के लिए ये भी ठीक ठाक बुक है वैसे। ओके, सो यू कैन डू इट, परचेज नाउ, दिस इज इंपॉर्टेंट बुक वैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वाली थी सबसे अच्छी तो वही है। देन हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। क्यों, किसके बारे में? केमिस्ट्री के बारे में। एनर्जी बहुत तेज है आज। ओके, पढ़ा के रहूंगा तुमको, मैं पढ़ा के रहूंगा। ओके, सो केमिस्ट्री की हम बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों की जो केमिस्ट्री वीक होती है, स्पेशली ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री के लिए जो आपका जो 95% जो पार्ट है वो तो NCERT से ही कवर हो जाएगा। ओके, जो आप जो NCERT को फुल एकदम फुल तपा दो, NCERT को एकदम अपने आप को तपा दो, साथ में NCERT को भी तपा दो। कमोन गाइज, कमोन, यू कैन डू इट, कमोन कमोन गाइज, कमोन। ओके, सो 95% केमिस्ट्री का जो है NCERT अगर तुमने पढ़ लिया तो कवर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल NCERT को कंप्लीट करो, जो भी तुम्हारी 12th और 11th की बुक्स है केमिस्ट्री वाली। ओके,
देन उसके बाद हम चलते हैं भगवान के पास, यानी कि बालाजी। हमें राजस्थान से हूँ, राजस्थान में हमारे मंदिर होता है बालाजी का, स्पेशली जो हनुमान जी होते हैं उनको हम बालाजी बोलते हैं। तो पेश करते हैं बालाजी की फिजिकल केमिस्ट्री बुक, बालाजी बुक। ओके, जिसे अगर आप बालाजी को पढ़ लेते हैं तो आपके पास आ जाती है हनुमान जी जैसी ताकत। और जैसे ही आप जैसे वो संजीवनी बूटी के लिए पूरा का पूरा फाड़ उठा के ले आता है, वैसे तुम भी पूरी की पूरी किताब को उठा सकते हो और अपने दिमाग में डाल सकते हो। कम ऑन गाइस, यू कैन डू इट, कम ऑन। एनर्जी बहुत तेज है आज, जल नहीं लूंगा, जल नहीं लूंगा आज मैं, जल नहीं लूंगा जब तक तुमको पूरा वीडियो बना नहीं देता। जल नहीं ग्रहण करूंगा आज मैं, जल ग्रहण नहीं करूंगा बिल्कुल। ओके, आगे बढ़ता हूँ, आगे 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 बढ़ते ही जा रहा हूँ गाइस। आज आज एनर्जी बहुत तेज है गाइस। आज बहुत सारे बच्चों की रकम आ रहा था क्वेश्चन, भैया कौन सी बुक पढ़े, कौन सी बुक पढ़े, बालाजी की बुक पढ़ो तुम लोग। कमोन, किसकी बुक पढ़ो, बालाजी की बुक पढ़ो। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है फॉर जेईई एडवांस, इसको तुम छोड़ सकते हो, ठीक है। जो भी बच्चे लेवल के बच्चे हैं वो इसको रिकमेंडेड कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, यह जो बुक है कौन सा इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके, फिफ्थ एडिशन है, कमाल की बुक है गाइस, कमाल की बुक है, इसको तुम ले सकते हो, बड़ी अच्छी बुक है। देन ये जो हम विले वाली, इसकी जो हम बात करते हैं, सो यार 95% तो कवरेज ये भी कर लेती है। जिन बच्चों को ऑलमोस्ट थ्योरी के अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो इसको ले सकता है, ठीक है, डीप में जिसको पढ़ना है। ओके, देन जो है आगे बढ़ते हैं अपन। देन हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स की ओर। यार मैथमेटिक्स तो सीरियसली तुम्हारा बहुत अच्छा होगा, मुझे पता है, मैथमेटिक्स तो तुम्हारा अच्छा है ही। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ लड़की, क्या सुना तुमने, ए भैया भैया सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो यार, एनर्जी बहुत तेज है आज, कहाँ जा रहे हो मैं, थोड़ा सा तुम्हें डिस्ट्रक्शन क्या होने लगता है, थोड़ा सा तुम बोर क्या होने लगते हो, इंस्टाग्राम की रील्स पे चले जाते हो तुम, यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो पे चले जाते हो, कहीं नहीं जाना, रुको तुम लोग अभी तो सुनो यही बात, ठीक है, तुमको सक्सेस कराना है, ठीक है, वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए यार। मेरे को जो है एक ही लड़के का जीवन नहीं बदलना, ठीक है, मेरे को जो यूट्यूब पे आने का मौका मिला, मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर हुए, तो मैं चाहता हूँ कि मैं सबको घर रोशन करूँ, सब बच्चों को IIT भेजूँ। तो शेयर करिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इसको। मैथ करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में, कमोन, किसके बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में। सो जितने भी बच्चे हो, पहले तो आपको जो है दोबारा अपनी NCERT तो तीनों में क्लियर कर ही देनी है, ओके। 11th और 12th की NCERT तुम्हारी कंप्लीट होनी ही चाहिए। उसके बाद में जो बुक आती है हमारे पास वो है मैथमेटिक्स की जीत देवानी, ये जो बुक है इसको तुम ले सकते हो, बड़ी अच्छी कंसेप्ट है। देन ये जो दो बुक्स मेरे पास आ रही है, ये आरिहंत और अमित अग्रवाल, इन दोनों में से आप एक ही बुक परचेज करें, दोनों बुक परचेज ना करें, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है इन दोनों बुक्स के अंदर, को एक एक बुक है जो ये जो आरिहंत है इसके अंदर जो सॉल्यूशन गलत होता है, और जो अमित अग्रवाल है इसके अंदर जो है क्वेश्चन ही गलत होता है, ओके। मैं जब पढ़ता था IIT की प्रिपरेशन कर रहा था, बिकॉज IIT सो मैंने ये देखा था कि इसके अंदर ये इश्यू आ रहा था। थर्ड जो आप लोगों के पास जो ऑप्शन आता है वो ये है कि आप जो है टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, यू कैन डू टेस्ट सीरीज, ओके। देन क्वेश्चन पेपर जस्ट लाइक क्वेश्चन पेपर जस्ट आर्यंत और ये जो दोनों ही प्रोवाइड करती है, ये जो दिशा होती है ये भी, इसके भी अच्छे क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, तो आप जो है इसके भी ले सकते हो। सभी का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अमेजोन से आप परचेज कर सकते हो। जिन बच्चों के पास प्राइम मेंबरशिप नहीं है सो वो जो है मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर सकते हैं, अपना एड्रेस सेंड कर सकते हैं, प्राइम के जरिए तुमको जो है सेंड कर दिया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, ताकि तुम्हारा जो है शिपिंग पीस बच जाए। कम ऑन गाइस, कम ऑन, यू कैन डू इट, ठीक है। और जो है फोड़ दो यार, IIT खड़गपुर किसका ड्रीम IIT है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, वो भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ओके, क्योंकि मेरे को अगर आने का मौका मिला, मेरे को अगर बताने का मौका मिला, तो मैं चाहूंगा कि मैं बहुत सारे लोगों का घर रोशन करूं, बहुत सारे बच्चों को जो है ये पता लगना चाहिए कि कौन कौन सी बुक अच्छी होती है। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच। मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप सब्सक्राइब करिए, अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि इसके ऊपर तुम्हारे करियर के खिलाफ कुछ अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तुम्हारा अगर जीवन बदल सकता है, तो यू कैन सब्सक्राइब नाउ। अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो तो ठीक है, स्क्रोल करते हुए आना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कभी मोनेटाइजेशन यूज नहीं करता, ओके, बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ संदीप माहेश्वरी एंड डॉक्टर विवेक बिंद्रा। थैंक यू सो मच, खूब पढ़ते रहिए, धन्यवाद।